तो 5G इंडिया में कब आ रहा है? अगर आपको लग रहा है कि आप अगले साल तक 5G को यूज़ कर पाएंगे तो गाइस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि इंडिया में 5G को आने में और उसको अच्छे से इस्टेब्लिश होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, ऐसा फैक्ट्स बोल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 5G कब आ रहा है, उसको क्या दिक्कतें जो है फेस होने वाली है। तो ये वीडियो आप लोग अच्छे से देखते रहिए, उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को 251 लाइक तक ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से चाहिए। आपका एक लाइक जो है मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक करो। उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। स्वदेश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें उन्होंने बताया कि भाई इंडिया में 2022 तक 5G सब्सक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। और उस रिपोर्ट में ऐसा भी बताया गया है कि भाई 2025 तक इंडिया में 11% जो है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं, यानी कि 11% तक ही जो है 5G इंडिया में फैलेगा। और उसके अलावा जो इंडिया रीजन में जो दो और देश आते हैं, यानी कि नेपाल और भूटान, ये दो ऐसे देश होंगे जिनमें 5G बहुत ही ज़्यादा स्लो आने वाला है। तो मतलब आज से 5 साल बाद भी 5G जो है वो अच्छे तरीके से इंडिया में नहीं आ पाएगा। तो अगर स्मार्टफोन्स भी 5G अगर आ जाते हैं सपोज इंडिया में, तो वो किसी मतलब के नहीं होते हैं, क्योंकि Xiaomi, Realme जो है 5G के नाम पे बहुत ज़्यादा ही एडवर्टाइज स्टार्ट कर रही है कि इंडियाज फर्स्ट 5G फोन ये वो, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है तो हमें फोन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं 4G नेटवर्क की, तो गाइस अभी के टाइम पे लाइक 2019 जो है वो एंड होने वाला है, और अभी तक जो है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 57% लोग ही जो है इंडिया में 4G यूज कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कम नंबर है। और 2025 तक 4G का जो नंबर होने वाला है वो 80% पहुंचने वाला है, यानी कि आज से 5 साल बाद भी 4G जो है वो 100% पे नहीं आएगा, तो 5G तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई किस लेवल का होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की, तो गाइस वहां पे 5G जो है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वहां पे टॉवर्स वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन वहां पे भी जो है उस तरीके का 5G अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आपने MKBHD की वीडियोस देखी होंगी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टेक यूट्यूबर है, मेरे पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर है, तो गाइस उन्होंने जो है 5G का बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्टिंग वीडियो बनाया था, जिसमें वो वहां पे गए थे जहां पे 5G का टावर लगा हुआ था और अपना एक 5G फोन लेके जो है उस टावर के नीचे खड़े हुए थे। और जैसे ही उस टावर के नीचे खड़े होते हैं और उसके बाद जब वो डाउनलोडिंग स्पीड वगैरह देखते हैं, तब जो है डाउनलोडिंग स्पीड काफी ज्यादा जबरदस्त मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो उस टावर के थोड़े दूर जाते हैं, यानी कि किसी एक बिल्डिंग के पीछे खड़े हो जाते हैं, तब जो है 5G के नेटवर्क लॉस होने लगते हैं। तो गाइस 5G भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में भी इतना कोई ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ है, तो उसको जो है स्टेबल बनने में अभी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। और जो सेकंड रीजन मुझे लग रहा है इंडिया में 5G का लेट आने का, या फिर जो 5G को दिक्कत होने वाली है इंडिया में आने के बाद, वो ये कि भाई जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी कि नेटवर्क कंपनी जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सब जो है वो काफी ज्यादा अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो कर्जे में चल रही है, यानी कि उन पे बहुत ज्यादा डेब्ट है। तो उनके पास खुद अभी लाइक 4G प्रोवाइड कर रहे हैं वही काफी ज्यादा बड़ी बात है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं लाइक फ्री में इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करने की, इस वजह से वो जो है पूरी तरीके से फ्री में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि 4G नेटवर्क हमें दे रहे हैं। उनके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि भाई वो 5G के एयरवेव्स को खरीद के अफोर्ड कर सकें, यानी कि जो 5G नेटवर्क होते हैं उनको वो परचेस कर सकें। अगर वो परचेस कर भी लेते हैं, लाइक जियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रांड है, अगर वो परचेस कर भी लेते हैं, लेकिन उनका उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे लोगों के पास जो है 5G नेटवर्क इतने अच्छे से नहीं आए हैं। तो अभी के टाइम पे भी अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 57% लोग ही जो है 4G यूज़ कर रहे हैं, लाइक 80 तक भी जो है ये अभी तक मार्क नहीं गया है, 2019 जो है वो एंड होने वाला है। तो 5G के चांसेस तो जो है वो काफी ज्यादा कम लगते हैं कि भाई वो लोग 5G के नेटवर्क खरीदेंगे और हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग उनमें से हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ 5G फोन लेंगे, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करो, अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। आपको अभी जो भी अच्छा फोन मिल रहा है वो परचेस कर लो, क्योंकि 5G जो रियलमी वगैरह जो है वो 5G लेकर आने वाले हैं 2022 तक, जो है वो एक आध मॉडल तो इंडिया में लॉन्च कर देंगे, लेकिन 5G नेटवर्क ही हमें नहीं मिलेगा तो भाई कोई यूज का नहीं है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं 5G के बारे में, आपको क्या लगता है कि भाई कौन सी ब्रांड जो है वो सबसे पहले फोन लॉन्च करेगी 5G वाला फोन इंडिया में, मुझे कमेंट करके बताओ। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप लोग टेक प्लस फैमिली से ज्वाइन नहीं हुए तो गाइस नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दो और सब्सक्राइब हो जाओ। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।